अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सवाल नंबर एक, तरावी की नमाज में कुल कितनी रकात होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 4 रकात, बी 12 रकात, सी 25 रकात, डी 20 रकात। सही जवाब है डी, 20 रकात होती हैं तरावी की नमाज में। सवाल नंबर दो, दुनिया में सबसे पहला रोज़ा अल्लाह पाक के किस नबी ने रखा? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला रोज़ा रखा था। सवाल नंबर तीन, अल्लाह पाक ने पानी को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन हैं ए पीर के दिन, बी बुध के दिन, सी शनिवार के दिन, डी इतवार के दिन। सही जवाब है बी बुध के दिन पानी को पैदा किया था। सवाल नंबर चार, अज़ान में अल्लाह अकबर कितनी बार आता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 मरतबा, बी 2 मरतबा, सी 4 मरतबा, डी 6 मरतबा। सही जवाब है डी, अज़ान में अल्लाह अकबर 6 मरतबा आता है। सवाल नंबर पाँच, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है? जवाब है आजकल ज़्यादा लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, इस तरह खाना खाने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और सब घर वालों के साथ मिलकर खाना खाते थे। जब आपसे इस बारे में किसी ने दरियाफ्त किया गया, आपने फरमाया जिस जगह हम सोते हैं उसी जगह खाना बैठकर खाने से रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। इससे यह पता लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना खाकर दस्तरखान लगाकर खाते थे। हमें भी यही करना चाहिए कि ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान लगाकर खाना खाएं। नंबर छः, क़यामत के करीब दुनिया में कौन सी नेमत उठाई जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए घी, बी दही, सी शहद, डी सब्ज़ी। सही जवाब है सी शहद, दुनिया में सबसे पहले उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह मालूमाती तोहफ़ा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरीके की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।